सो है एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, कौन बनाएगा जल्दी आईएएस। अब इसी क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जो जल्दी आईएएस बनाएगा वो कोचिंग भी अच्छी हो सकती है, और कोचिंग अच्छी हो सकती है तो शायद है कि हम एडमिशन ले भी सकते हैं उसमें। और अगर उसमें एस्पिरेंट पढ़ भी रहे हैं पहले से, तो वो शायद है कि जल्दी से आईएएस बन जाएंगे, हम बाद में बन पाएंगे। और इन सभी में से कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारी कोचिंग से, सैकड़ों कोचिंग से जो यूपीएससी प्रिपरेशन कराती हैं, जो आईएएस बनाने के लिए प्रिपरेशन कराती हैं, लेकिन क्या रियलिटी है उनकी। तो आज मैं यूपीएससी कोचिंग्स की रियलिटी बताने वाला हूं, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। कौन सी कोचिंग बेस्ट हो सकती है आपके लिए वो भी आपको पता चल जाएगा इसमें, और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। और अगर सही रास्ता क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन का, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ओनली इस वीडियो को अंत तक देखना है, और उसके बाद आपके अंदर जितने भी डाउट्स होंगे सारी रियलिटी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। और भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना और मैं आपका जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर ज़्यादा ना टाइम बर्बाद करते हुए और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, एंड ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स पर, ऐसे ही सेंसिटिव मुद्दों पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन भी आपके पास जरूर आएगी। देखिए, कोचिंग्स की बात करें तो यूपीएससी कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। कम से कम 100 कोचिंग्स तो आपको आराम से देखने को मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर कोचिंग्स अगर दिल्ली के आउट ऑफ किसी अदर स्टेट में अगर देखें, अदर सिटी में देखें, तो वहाँ भी कोचिंग्स बढ़ी हुई हैं, जैसे जयपुर, इलाहाबाद, उसके बाद पटना आपका हो गया, लखनऊ हो गया, इसी प्रकार से कई सारी सिटी हैं जो कि इंडिया के अंदर मोस्टली आपको यूपीएससी कोचिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन अब रियलिटी क्या है इनकी, ये कोचिंग से इनमें से कौन सी बेस्ट कोचिंग है। अगर दिल्ली की कुछ मोस्ट पॉपुलर कोचिंग्स की बात करूँ तो दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाजीराव एंड रवि एंड ठीक है राव स्टडी सर्किल, जीएस स्कोर, आपकी अनअकैडमी, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, और कई सारी ऐसी डिफरेंट कोचिंग्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन को कराती हैं। आप अगर किसी भी पॉपुलर यूपीएससी फैकल्टी की अगर कोई वीडियो देखोगे या फिर उनका कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो उसमें आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आओ हमारे यहाँ एडमिशन लो, हमारे यहाँ तैयारी करो, हम लोग आपको कराएंगे, हम लोग आपको आईएएस बनाएंगे। लेकिन क्या रियलिटी है कोचिंग्स की, क्या कोचिंग्स ही आईएएस दे रही हैं आज के समय में। मैं 1.5 साल से दिल्ली में हूँ और 1.5 साल में दिल्ली में रहने के साथ साथ मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊँगा, ऑनलाइन कोचिंग्स हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स हो। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा। मेरा एक दोस्त है और दोस्त की एक मेरे पास कॉल आती है, और उनका छोटा भाई कोचिंग करना चाहता है और यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता है दिल्ली में रह के। बाकी उनके पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा है ही है, यानी बिजनेस करते हैं और बिजनेस में इनके पास काफ़ी पैसा होता ही है। लेकिन आईएएस तो सबको बनना है, कौन नहीं बनना चाहेगा। मेरे पास कॉल आया और मुझसे पूछा कि कौन सी कोचिंग ऐसी है दिल्ली के अंदर जो जल्दी से जल्दी आईएएस बना सकती है। तो मैंने उनको एक आंसर दिया और मैंने उनको बताया दिल्ली के अंदर सैकड़ों कोचिंग्स हैं, और आप अपने भाई को अगर अभी तुरंत भेज दें तो यहाँ पर एडमिशन आपको छूते में हो जाएगा, और यहाँ तो पहले से बैठे हुए हैं कोचिंग्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन कौन सी कोचिंग बेस्ट है इसको भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली में हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग्स हैं, लेकिन हर हंड्रेड ऑफ कोचिंग्स की अलग अलग खुद की एक स्पेशलिटी है। अगर विजन आईएएस की बात करें तो विजन आईएएस की अलग एक स्पेशलिटी है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बात करें तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की अलग एक स्पेशलिटी है, वहीं अगर नेक्स्ट आईएएस की बात करें तो उनकी अलग ही स्पेशलिटी है, वहीं अगर खान जीएस सर की बात करें तो उनकी भी अलग स्पेशलिटी है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको एक काम करना है, ऑफलाइन अगर कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो, कि आप लोग जानते हो भी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर फीस एक बार आप जमा कर दो उसके बाद वापस भी नहीं होती है। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले वहाँ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो डेली पढ़ने जाते हैं, उनसे एक बार क्वेश्चन कर लो किस प्रकार की पढ़ाई होती है, किस प्रकार की क्या स्ट्रेटजी है,
और देन अगर उस कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आपकी जो तैयारी होगी वो आपकी प्रिपरेशन होगी काफ़ी वेस्ट वे में चलेगी। और वैसे मैं आपको 100 की एक बात अगर यूपीएससी की बात करूँ तो आपकी मेंटोरशिप ही यूपीएससी प्रिपरेशन है। अगर आपको अच्छी मेंटोरशिप मिल जाए, आपकी अगर आप गाइडेंस अच्छी मिल जाए और उसके बाद अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया और पीवाईक्यू को अच्छे से कवर कर लिया है, तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की जो टाइमलाइन होगी, यूपीएससी प्रिपरेशन का जो वे होगा, वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इसीलिए आपको ज़रूरत है पीवाईक्यू करने की, सिलेबस को समझने की। अगर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए किसी भी एक बंदे को, किसी भी एक अच्छे टीचर को, किसी भी एक मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग की नीड है, क्लासेज लेनी है, आपको समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद ज्वाइन करो, क्योंकि 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो दिल्ली में आके आपको रूम रेंट देना पड़ेगा, खाने का खर्चा हो जाता है 15,000 रुपये आपका रूम रेंट और खाने का खर्चा, और यहाँ पर मतलब और खर्चे मिला के 15,000 बैठ जाते हैं। राजेंद्र नगर की बात करूँ तो एक रूम आपको 15,000 रुपये मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, और राजेंद्र नगर का तो नाम सुना ही है आपने। अभी एक ऐसा इंसिडेंट घटा कि लाइब्रेरी के अंदर पानी घुस गया, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, 3 लोगों की डेथ हो गई। और क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, यूपीएससी प्रिपरेशन करने आए थे और साथ में बहुत सारे सपने लेके आए थे, उनके माँ बाप के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन सारे सपने मिट्टी में मिल गए, सारे सपने पानी में डूब कर ख़त्म। सोचो माँ बाप पर क्या बीती होगी, वो माँ बाप जो 1.5 लाख रुपये साल के दे रहे थे और साथ में 15-20 हज़ार रुपये महीने का आपको खर्चा दे रहे थे, लेकिन कोचिंग्स वालों ने बेसमेंट में लाइब्रेरी ओपन करके फ्री लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे आपको। कोचिंग्स के नाम पर आपसे कहेंगे कि आपको फ्री लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी और वो लाइब्रेरी आपकी बेसमेंट में रहेगी, और उसके बाद नतीजा जो हुआ वो आपको देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से सिलेबस को समझें, अच्छे से पीवाईक्यू देखें, मेंटोरशिप की ज़रूरत है मेंटोरशिप लें, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें, देन यूपीएससी प्रिपरेशन के फील्ड में कूदें। अब बात कर लो इन सब में से कोचिंग कौन सी बेस्ट है। तो पहले मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेशलिटी हर एक कोचिंग की है, तो बेस्ट कोचिंग कौन सी है, आप लोग सारी कोचिंग्स में जाके डेमो लें। पहले तो 2-2, 3-3 दिन का डेमो देते हैं ये लोग, डेमो अगर ले सकें तो कोशिश करें डेमो लेने की, और डेमो जब हो जाए उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, पहली बार में भी नहीं पता चलता है, वहाँ के बच्चों से बात करें हर डे जाके। और उसके बाद, क्योंकि जब आप 2 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी मैं सिलेबस की भी रियलिटी बताऊंगा जो कोचिंग्स प्रोवाइड कराती हैं, जो कंप्लीट कराती हैं। अब कोचिंग्स की रियलिटी की बता रहा हूँ जो सिलेबस कंप्लीट कराती हैं। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, दृष्टि आईएएस में उन्होंने एडमिशन ले रखा है, दृष्टि आईएएस में 2 साल से वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से उनकी क्लासेज चल रही हैं और 2 साल से अब तक उनकी क्लासेज कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। और दृष्टि आईएएस कोई छोटी मोटी कोचिंग नहीं, जाने माने इंडिया की टॉप लेवल की कोचिंग है आज के समय में। विकास दिव्यकीर्ति सर जब भाषण देते हैं तो बड़े लंबे लंबे बोलते हैं, अवध ओझा सर जब भाषण देते हैं तो ओझा की बकैती और चंबल की डकैती दोनों का कोई तोड़ नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहूँगा कि आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग को उस प्रकार से लें कि खुद ही अगर सब कुछ कर सकते हैं, या गाइडेंस के वे में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप 2 साल कम से कम लेके चलिए, 2 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। वैसे यूपीएससी का सिलेबस ना तो आज तक किसी ने कंप्लीट कर पाया है और ना ही शायद कोई कर पाएगा, यूपीएससी बहुत वार्ड है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने में ना रहें, आप प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें, एग्जाम आए एग्जाम दें। अब आप लोग पूछेंगे मैंने एग्जाम क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं, देखो मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पर कॉलेज के, अब कॉलेज के एग्जाम देता या प्रीलिम्स देने जाता, तो नहीं दे पाया प्रीलिम्स, सीधी सी बात। और दूसरा मैटर था एज का, अब एज मेरी कंप्लीट होने वाली है, देन मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। अब मुझे जो रियलिटी बतानी थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैंने 1.5 साल दिल्ली में बिताई हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हुए, वैसे तो मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इस बात को गांठ बांध के रख लेना, इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप यूपीएससी के, यूपीएससी को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। अपने दम पे यूपीएससी प्रिपरेशन करना, कभी कोचिंग और टीचर्स के दम पे मत करना, फैकल्टी के दम पे बिल्कुल भी यूपीएससी प्रिपरेशन मत करना, पहले ही बताता हूँ।
और दो अटैम्प्ट देना, तीन अटैम्प्ट देना, उसके बाद फिर यूपीएससी प्रिपरेशन में लगे मत रहना, क्योंकि आपका बी प्लान भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ बहुत छोटी है, 60 साल की जिंदगी में अगर 4 साल 5 साल 10 साल अगर आप ऐसे निकाल दोगे तो क्या फायदा निकलेगा। इसीलिए बी प्लान भी 2 साल बाद लेके चलना, 2 अटेम्प्ट देने के बाद बी प्लान पे लग जाओ और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, यूपीएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी निकल ही जाएगा आपका। तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके माइंड में आ गया होगा कोचिंग कौन सी लेनी है। आज के समय में कोचिंग अगर बात करूं तो कोचिंग काफी महंगी से महंगी और काफी सस्ते से सस्ती भी है। PW ONLY IS, खान GS की बात करें, अनअकैडमी बात करें, स्टडी IQ की बात करें, ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी बेस्ट है और आप कम से कम रुपए में आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। वैसे PW ONLY IS अगर आप ज्वाइन करोगे तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना RAN500, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्रमोशन खैर उन्होंने नहीं दिया है मुझे, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरा कोड बना हुआ है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो करोल बाग, मुखर्जी नगर, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। अगर आपके सिटी में भी बात करें तो लखनऊ, पटना या फिर आपका इलाहाबाद, जयपुर, ऐसे बहुत सारी बेंगलोर साइड की, पुणे काफ़ी अच्छी सिटी है जहाँ पर UPSC प्रिपरेशन होती है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग UPSC प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट तरीके से करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और आने वाले समय में आपका समय आपका होगा और धीरे धीरे अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपकी अगर कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, किस सेंसिटिव मुद्दे पर चाहते हो, सीधी सीधी खरी खरी बात करने पर, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा और वीडियो भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि कुछ जाता नहीं है इसमें। और मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।